हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानोसुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता चौथा अध्याय नवा श्लोक। जैसे कि कल मैं पढ़ रहा था यही श्लोक आज मैं फिर पढ़ रहा हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, ये मेरा मत है। कृष्ण कह रहे हैं ये मेरा मत है। कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान स्वयं है। जब हम कहते हैं ना कृष्ण, तो हमारा जन्म धन्य हो जाता है। जब हम कहते हैं कृष्ण, हमारा जन्म धन्य हो जाता है। श्यामा श्याम। यहां पर कृष्ण कह रहे ये मेरा मत है, तो आप समझ सकते हैं कृष्ण का मत कोई हल्का नहीं हो सकता। कृष्ण का मत पूर्ण है। कृष्ण का मत परफेक्ट है। और कृष्ण अपने यहां कह रहे हैं जो मेरे जन्म तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है। मेरे जन्म और कर्म की जो नेचर है, प्रकृति है, वो दिव्य है। अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, वो संसारिक नहीं है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम अपने कर्म से इस संसार में आए हैं और भगवान अपनी इच्छा से इन संसार में आते हैं। हमें जब जन्म लेना था तब भगवान ने ये नहीं पूछा था कि तुम्हें कौन से माँ बाप चाहिए। हमारे कर्म से हमें माता पिता, कर्म से ही शरीर मिला है। बहनों माताओं वैष्णवों, हम शरीर के कपड़े तो अपनी पसंद के ले सकते हैं, लेकिन शरीर अपनी पसंद का नहीं ले सकते। तो हमें शरीर अपने कर्म के अनुसार मिला है।
लेकिन कृष्ण का शरीर कर्म के अनुसार नहीं, कृष्ण का शरीर दिव्य होता है। और जो इसे जान लेता है, कृष्ण की लीला दिव्य है, जो इसे जान लेता है, फिर कृष्ण कहते हैं उसका दूसरा जन्म कभी नहीं होता है। कृष्ण कहते कभी दूसरा जन्म नहीं होता है। बल्कि वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और फिर से कभी इस संसार में नहीं लौटते हैं। इसलिए जब आप कृष्ण के विषय सोचिए, सोचिए कि कृष्ण दिव्य है। मैं रोज कृष्ण 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 कर 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 करके आपके मन और बुद्धि में ये बात बिठा देना चाहता हूँ, जो भगवद गीता में परम सत्य है कि कृष्ण ही परमेश्वर है और उनकी सारी लीलाएं दिव्य हैं, अमोघ है, अच्युत है। कृष्ण मासूम है, इनोसेंट है, उनकी लीलाएं सब मासूम और इनोसेंट है। जो भी ये बात समझ जाता है, कृष्ण कहते हैं उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। क्योंकि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं। और कृष्ण तो परम ईश्वर है, स्वतंत्र ईश्वर है, वो कैसे जन्म ले सकते हैं? वो तो अपने भक्तों के लिए परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों के हेतु जन्म लेकर आते हैं, प्रकट होते हैं। संभवामी, क्योंकि वो संभव होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए आप सब भी इस बात को समझोगे कि कृष्ण कभी जन्म नहीं लेते हैं, कृष्ण की लीला सब दिव्य है। और वो आपके हृदय में ईश्वर परमात्मा के रूप में विराजमान, आपका सद्बुद्धि और आपका भला कर रहा है। मेरा ठाकुर आप सबको बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।